हो गया महमूद भाई, रिकॉर्डिंग हो गई ना, लाइव आ जाए। अच्छा ठीक जनाब, खुश आमदेद कहते हैं आपको। ये है डब्ल्यू बी हमानी शान एल्म, यानी कि हमारा इफ्तार का क्विज का मुकाबला, कि जिसके तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डब्ल्यू बी हमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और हमने अभी हाल ही में मासूमाना सवाल के बाद ये नया परफ्यूम लौट दिया। आप लोगों ने ट्राई किया, पसंद है, शुक्रिया जी। ये आप ले, बल्कि आप ये रख लें, हमारा लम्हा लेके आप घर ले जाएं, मसला नहीं। चले जनाब, तो आज की तीनों टीम हमारे साथ हैं। पार्टिसिपेंट ए का क्या नाम है सर? फैजान मसूद। सर आप हाथ खड़ा ना भी करते हैं, बताओ तो, ये आप ही हैं। क्या करते हैं सर? केमिकल इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। आपका नाम बताया, शहजाद रसूल? फैजान मसूद। फैजान मसूद, सॉरी फैजान मसूद, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। जनाब अली हमाद नबी, क्या करते हैं हमाद भाई? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है, अच्छा किस चीज से मुतालिक करते हैं व्लॉगिंग? फनी वीडियोस रील्स बनाता हूँ, चवल बंदे के नाम से चैनल है। अच्छा ठीक है, सही है, चवल बंदे। जी जी ठीक, मैं समझ गया, ये मैं मान भी लिया मैंने। जनाब सर आपका नाम? फैजान राशिद। फैजान राशिद। फैजान राशिद भाई क्या करते हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। आप यूट्यूबिंग करते हैं? अच्छा चले जनाब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के इल्म में है रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर भी मैं वैसे बता देता हूँ। पहला राउंड बजर राउंड है, जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, फिर आपने जवाब देना है। सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे -10। सही जवाब आप देंगे भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। शाम का वक्त है, इफ्तार में थोड़ी देर रह गई है, कभी इंसान का मूड अच्छा, कभी 19-20 भी होता है, तो इसलिए जब सवाल का जवाब गलत होता है तो हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि कुछ ऐसा काम करें। आप अगले 30 सेकंड में आप में से एक की हार यकीनी हो जानी है मुकाबला शुरू होने से पहले ही, इसलिए कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि उनकी टीम कौन सी है, वहीं से मेरा ख्याल आएगा। बताओ, हाँ जी, हमें अगले साल अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो ऐसा करेंगे कि चार टीमें बुला लिया करेंगे, आप उसमें से एक सेलेक्ट करना, उसको वैसे ही घर भेज देंगे, फिर तीन में मुकाबला कर लेंगे, चूंकि वो तो जीतता है नहीं बेचारा, तो ऐसे कर लेंगे। हाँ जी जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी 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 भाई, सी टीम। सी टीम चेंज नहीं करना, फिर जीतेगी पक्का इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अब तो इंशाल्लाह कह दिया है, अब देखते हैं। ठीक है भाई डॉक्टर साहब, कोई एतराज तो नहीं आपको वकर साहब? चलो भाई, सी टीम जीतेगी, चले भाई, जबरदस्त हो गया ये तो। सर मैं कुछ एब्रीविएशंस आप बताइएगा कुछ जुमलों की, जरा मुझे मैं कहता हूं, एक दफा तालियां बजा दें फिर मुकाबले का बाकायदा आगाज। सर आप में से कोई बताएगा जो एटीएम होता है, एटीएम स्टैंड्स फॉर एटीएम से क्या आता है? सर इन्हें बताया ना, सी जी सर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। हाँ वाह भाई, क्या बात है भाई, वसीम भाई जीत नहीं गया, अभी पहला सवाल हुआ है, क्या हो गया भाई? +10 से आगाज हो गया, +10 से आगाज हुआ है, लेकिन अल्लाह माफ करे जो इख्तिताम होगा ना, जो बस वो देखना है मुझे, देखते। अच्छा सर एक है, अच्छा और जाहिर है इस जुमले से ये ना हो कि आप कुछ भी बना के, जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो पूछ रहा हूँ मैं, वरना होता है कुछ अल्फाज से कुछ और ही बनता हूँ। ए डी बी एक बैंक है, बैंक ठीक है, ए डी बी, अल्फा वाला ए, डेल्टा वाला डी, और बी से बैंक है, एशिया से मुताल्लिक है। ओहो, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या एशियन डायनेमिक बैंक है? जी भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक सही है आपका जवाब, ऑलराइट ठीक है। सीआईए से मुराद क्या है? सीआईए, जी सर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। तीनों गलत बताएं, और मैंने कहा भी है कि सीआईए के नाम से जाहिर है, मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मशहूर क्या है, बाकी होता है 100 और भी हो तो वो सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। गलत हो गया आपका जवाब, जीरो हो गए। ठीक है, मैं बता दूं जरा आपको, ठीक है भाईजान। अच्छा पीएसएल से मुराद क्या है? सी, जी सर, पाकिस्तान। हाँ पीएसएल पाकिस्तान। हाँ, सुपर लीग। बड़ी नवाजिश, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, पाकिस्तान सुपर लीग सही है। वसीम साहब करेंगे आपसे अगला सवाल, सुनिएगा सवाल जनाब। अच्छा रमजान उल मुबारक के कितने अशरे हैं? तीन अशरे। अच्छा कौन कौन से? ये पहले ये तो बता दो भाई, जवाब दुरुस्त। जी ये दुरुस्त से सही कर रहे हैं। वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इनके साथ सेगमेंट होता है, इसके बाद इनसे करता हूँ ये सवाल, खाली बता। जी जी अच्छा बता रहा हूँ खाली यार, अब बता भी नहीं सकते क्या भाई यार? तो सवाल आप यकीन करें, चार मरतबा सवाल पूछे मैंने इनसे, ये इनसे
वैसे ही मैंने कहा जी जी बिल्कुल है, मैंने कब का सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ खाली यार जी आगे बढ़ा यार सवाल कमाल हो गया भाई मैं आप अच्छा आपको इस वक्त सवाल करने की पोजीशन सवाल अगला सवाल अच्छा ठीक है दो नाम बता दें रहमत का और मगफिरत बजर बजा के बताना होगा जवाब जी रहमत का और मगफिरत का जवाब दुरुस्त है बिल्कुल सही बात है जवाब दुरुस्त है और ये बहरहाल वो सवाल है जो मैं बच्चों से नहीं करता हूँ क्योंकि इन्होंने कहा दो के नाम बता दें मैं बच्चों से तीनों के नाम पूछता हूँ और वो बताते हैं ये भी मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए क्या मैं बता दूं आपको जी आप सवाल नहीं है महमूद भाई कह रहे हैं मैं इस वक्त सवाल करने की पोजीशन में नहीं हूँ भाई अच्छा भाई तो फिर ऐसा करें ज़रा एक मुहावरा दिखा दें यार कि ये कौन सा मुहावरा है अभी जो हम बाकी सवाल ब्रेक के बाद करेंगे तस्वीर देखें ये क्या है अरे देखें ये ऊपर जो है ना एक बंदा रफू कर रहा है रफू नीचे एक खातून को चक्कर आ रहे हैं जी भाई रफू चक्कर होना एक जुमला और बोल देते यार लेकिन चलो ठीक है जवाब सही हो गया अच्छा जी और अगली तस्वीर दिखाएं ये क्या होगा नेकी कर दरिया में डाल सही बात है 5 रुपए की नेकी सही नेकी दे पुराने वाला नोट है सही है भाई ठीक है चले जनाब इस मौके पे हम ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद सवाल आगे बढ़ाएंगे एक सवाल वसीम भाई का रहता है अभी वो जो 3 में से 2 बताएं और 1 अशरा रह गया है वो आपने बताना होगा ब्रेक के बाद मुश्किल सवाल है इसलिए अभी आपको टाइम देते हैं 10 मिनट का सोचें आप लोग अपने घरों में सोचें उसके बाद फिर इसका जवाब लेंगे शानिल जारी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर यह डब्ल्यू बी बहमानी शान इल्म और टीम ABC 10-0 और 50 है सूरत हाल जनाब महमूद भाई आपको कोई रह गया सवाल करेंगे तीसरा अशरे का भी हो सकता है सवाल वैसे खालिद में तो इतना कहूंगा जाग उठा अशकों का यादे नबी में रोते रोते कैसे कटी है रात ना पूछो ये जो कलाम है शायर का नाम आपने बताना है खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का है या खालिद हसनैन खालिद साहब का जनाब सर खालिद महमूद नक्शबंदी साहब जवाब दुरुस्त राइट जनाब ओके सही 10-10-50 जनाब महमूद भाई कुरान पाक का कल्ब दिल किस सूरत को कहा जाता है यस सर ए सूरह यासीन सूरह यासीन जवाब दुरुस्त भैया उरुसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है कुरान की दुल्हन कह लें जी हां सूरह रहमान जवाब दुरुस्त ओके कुरान पाक की कौन सी सूरत में अबाबील का जिक्र है सूर्य अबाबील तो है ही नहीं कोई गलत हो गया जवाब चले मैं ऑप्शन दे देता हूँ हाँ सुने सूर्य कौसर या सूर्य फील जी भाई सूर्य फील जवाब दुरुस्त है बात है भाई ए और सी बराबर हो गए विद इन नो टाइम जब आए थे तो एक आगे थे सी बहुत आगे थे और अब ए और सी हो गए बराबर महमूद भाई ने सूरह यासीन से मुतालिक सवाल पूछा है इब्तदाई 3 आयात बता दे कोई मुझे सूरह यासीन की सिर्फ इब्तदाई 3 इब्तदाई 2 बता दे अरे हाँ Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quran al Hakim Right sir innaka la minal mursaleen ala sirat al mustaqim say okay इसके बाद सूरह रहमान का तस्करा किया इब्तदाई 3 आयत कोई सूरह रहमान की बता दे इब्तदाई 2 बता दे हाँ चलो फिर इब्तदाई 1 बता दे पहली आयत बता दे जी भाई अर रहमान मालिकुल कुरान अर रहमान अल्लमल कुरान है लेकिन पहली आयत सही बताइए तो फिर उसको ठीक पहली आयत ही शुमार की जाएगी ना रहमान बिल्कुल ये ठीक है आपका जवाब सही है ओके जनाबे अली कारी मुकारी मोहसिन साहब सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी
جب در محمد پر سب کی حاضری ہوگی. کلام کے شاعر کا نام بتا سکتے ہیں جناب؟ آپشن دیجیے. عبدالستار نیازی صاحب کا کلام ہے یا علامہ اقبال؟ عبدالستار نیازی صاحب. جواب درست ہے. Alright, okay, زبردست. جناب زہیب بھائی. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ. بے ٹھکانا ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سبحان اللہ. کلام کلام کس شاعر کا لکھا ہوا؟ جناب علی. آپشنز دینے پڑیں گے آپ کو. یہ بیدم شاہ وارثی صاحب کا کلام ہے یا مظفر شاہ صاحب کا؟ مظفر وارثی صاحب. مظفر وارثی صاحب. ٹھیک ہے جناب. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, انہوں نے کہا ازل سے ابد تک, یعنی ایگزیکٹ میں نہیں کہہ رہا, ڈکشنری میننگ بتا دیں, مفہوم بتا دیں. جی بھائی. شروع سے اب تک. شروع سے اب تک یا آخر تک؟ ابد. ٹھیک ہے, لیکن جانے صحیح مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جاؤ. آلرائٹ. 60-30 اور 50 مقابلہ بڑا دلچسپ جاری ہے. ایک آواز آئے گی آپ کے کانوں میں, سنیں پھر سوال کرتے ہیں. ذرا سنیں, ذرا آواز سنائے گا جی. ایک پرانا سا شعر ہے. اچھا. جب آپ نے نعرہ مارا پرائم منسٹر کا تو شعر آ گیا ہاں میرے دماغ میں. اچھا. کہ زبان خلق کو ناکار ہے خدا سمجھو. ناکارا بولا کیا؟ ٹھیک. یہ کن کی آواز تھی؟ جی بھائی. آصف زرداری. بڑے خوشی سے بتایا آپ نے. جی آپ کا جواب صحیح ہے. اوکے, دکھائیں ذرا, دکھا دیں پھر آگے سوالات کرتے ہیں. ویڈیو دکھائیے گا. کہ زبان خلق کو ناکار ہے خدا سمجھو. اب اگر وہ کھیل رہے ہوتے تو -10 کرتے ہیں ان کے. لیکن ظاہر ابھی تو, اب تو بھائی ان کے پاس اس وقت ایک عہدہ ہے, ظاہر صدر پاکستان کا, پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ تو میں نے بتا دیا. آپ سنائیے تو میرا کیا سوال تھا؟ کوئی آئیڈیا نہیں؟ تکا مارنا ہے تو مارتے ہیں, ورنہ -10 ہوں گے. میں اگلا سوال کروں گا. چونکہ بزر بجا دیا تو سوال آگے نہیں بڑھا سکتا میں. یہ کوآپریٹو گورنمنٹ سے صدر بنے. نہیں, یہ سوال نہیں تھا, اس لیے تعزیت کریں گے, -10 کریں گے. مطلب بات ٹھیک ہے لیکن سوال نہیں تھا. ان کے پاس اس وقت عہدہ ہے صدر پاکستان کا, اس اعتبار سے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے, وہ کیا ہے صدر پاکستان کے اعتبار سے, وہ کیا ہے؟ جی سر. یہ سیلری نہیں لیں گے. جی سیلری نہیں لیں گے. یار اب چلو میں اس کو -10 نہیں کرتا اس پہ, شاید پہلے, ویسے میرے خیال میں پہلے بھی کسی نے اعلان کیا ہے, لیکن چلیں اس کو ہم نہ پلس کرتے ہیں نہ مائنس کرتے ہیں. تاریخ یہ رقم کی ہے کہ یہ دو مرتبہ صدر بن گئے, کوئی بھی دو مرتبہ صدر نہیں بنا اب تک. چلیں, ویسے یہ جو شعر ہے, بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نکار ہے خدا سمجھو, اس کے شاعر کون ہے؟ اس کے شاعر ہیں شیخ ابراہیم ذوق یا اس کے شاعر ہیں جان ایلیا؟ جان ایلیا. غلط ہو گیا جواب, تعزیت کیجیے. اگلی آواز سنے بھائی. ہاں. جب کاپی نہیں دے رہے, نہ ہمیں دے رہے اور نہ ان کو دے رہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے. اوکے, اب سوال کروں, اب بزر بجائے گا. اس سے پہلے کا بزر کاؤنٹ نہیں ہوا. کن کی آواز تھی؟ جی بھائی. جان ایلیا. جان ایلیا کی آواز تھی. اب جان بھائی نے برا منایا ہوگا اس کا یا؟ اچھا, یا پتہ نہیں. ناظرین جن کو جان ایلیا کہا گیا وہ اصل میں کون تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں, دکھائیں بھائی. جب کافی نہیں دے رہے, نہ ہمیں دے رہے اور نہ ان کو دے رہے. اچھا بھائی جان, اب آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہو, کیا نام ہے اس کا؟ چول بندے. اس میں یہ لگانی ہے کلپ آپ نے بھائی, یہ ذرا یہ ذرا. اچھا بھائی چلیں تو. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں آپ, مولانا صاحب سے میرا بڑا احترام کا تعلق ہے, میرا بڑی شفقت فرماتے ہیں. محاورہ اصل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا دال میں سارا کالا ہے, ایک محاورے کو انہوں نے جان کے
गलत पढ़ा है, जान के पढ़ा है कि ऐसा नहीं है. असल मुहावरा क्या है, किसने बजाया? सीन है जी भाई, दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला है. सही आपका जवाब, ठीक है. भाई एक शेर सुने, फिर मैं अगर मुकम्मल कर सकता हूँ तो कोई तो बजर बजा दीजिएगा, वरना मैं शायर का नाम पूछता हूँ. देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमी का सहन, कच्ची जमी के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, इस दिल की वसअतों में कहीं खो गया हूं मैं, यूं है कि इस जमी से बड़ा हो गया हूं मैं. ना जी क्या बात है भाई, वाह वाह वाह. ये अशफाक हुसैन साहब है या जॉन एलिया साहब है? जी अशफाक हुसैन साहब. अशफाक हुसैन साहब है, सही आपका जवाब, जबरदस्त. ओके क्या क्या बात है भाई, वाह 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 वाह. चले जी अगला सवाल करता हूं. नए चराग चरागा तो खैर क्या देंगे, बहुत हुआ तो कहीं आग ही लगा देंगे, अगर है इश्क तो हम साथ लेके जाएंगे, अगर है ख्वाब तो वादा रहा भुला देंगे. सुना रहे हैं ये अखबार रागे दरबारी, हमारे कत्ल को भी हादसा बना देंगे, उदास रात भी तारे सजा के रखती है, इसे मिलेंगे तो कुछ हम भी मुस्कुरा देंगे, अभी तो दिल ही जलाते हैं यार सब मेरे, फिर एक दिन ये मेरा जिस्म भी जला देंगे. ये शायरी किसकी है, राज देलवी की या चराग देलवी की? चराग देलवी. चराग देलवी. गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिए. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आखिरी एक शेर सुन लें. हाँ जी, आपने कहा इतना जलाया है इस शेर में तो चराग दिल भी होंगे. नहीं भाई, नहीं शेर जी. अच्छा भाई आखिरी शेर सुने. ये और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग चराग जलाना तो इख्तियार में है. ये अजहर इनायती साहब है या चराग दिलवी साहब? चिराग दिलवी. चराग दिलवी साहब. फिर गलत हो गया, ताज़ियत कीजिए. आपको दूसरा क्लिप मिल गया अपने चैनल के लिए. चलें भाई, अच्छा एक आखिरी वीडियो दिखाएं फिर आगे बढ़ते हैं. दिखाओ भाई. ये लगाओ मेरा बच्चा, ये अब जरा देखो. अच्छा भाई, ये जो पहले अदाकार है जिसमें नजर आया, इनका क्या नाम है? अजीज जी कुछ नाम है. अजीज ही इनका किरदार है वैसे. ये भी कामयाबी होती है कि किरदार पहचान बन जाए, लेकिन नाम तो नहीं है जो, टेक्निकली तो गलत होगा ना. हाँ खुर्रम भाई ने मना कर, नहीं भाई नहीं नहीं गलत, ताजियत करेंगे. सही है ना? सही है, नहीं वो भी नहीं सकता, गलत बताया आपने. सुहेल अहमद इनका नाम है, सुहेल अहमद. इस ड्रामे का नाम क्या है, होम स्वीट होम या गेस्ट हाउस? होम स्वीट होम या गेस्ट हाउस? गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस. -20, ताजियत कीजिए. तीसरा क्लिप. चलो भाई अब मैं माजरत चाहता हूँ, राउंड हो गया खत्म, हम आते हैं दूसरी. भाई बोले क्या बोले? बी जो है ना वो बहुत आगे जा रही है, वो माइनस में, पीछे से माइनस है, लेकिन ए और सी जो है वो बराबर आ गए, 60 -20 और 60. अब बढ़ते हैं तस्वीरों की तरफ. सर पहले तीन तस्वीर आपको दिखाएंगे, पार्टिसिपेंट बी जनाब दिखाइएगा पहली तस्वीर इनको. ये कौन से खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के? 5 बॉलर है, 4 3 आपको तो पता है, 2 तुक्का मारना तो कम मारते हैं मर्जी है, बड़े चुलबुले से हैं, बड़ा फन भी करते रहते हैं. हसन अली. क्या बात है, सही आ गया यार, चाना क्या था यार. हसन अली. अगली तस्वीर दिखाइएगा, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहे और इंतकाल हो चुका है इनका, इनके बेटे का नाम है अफनानुल्ला, इनका नाम, इनके नाम के आखिर में भी डैश, वो अफनानुल्ला है और ये हैं 5 4 3 2 1 ये है इमरानुल्ला जी. अपने जाती असर और रसूख को इस्तेमाल करके 10 नंबर दिए आपको, वरना ये मना कर रहे थे कि भाई पहला सवाल आखिरी सवाल, लेकिन खैर है. सर आपसे करेंगे अगले 3 सवाल, दिखाइएगा पार्टिसिपेंट ए को इनकी पहली तस्वीर,
ये कौन से खिलाड़ी हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी भी करते हैं, अपने अंदाज से बड़े रईस लगते हैं। 5-4 मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान नहीं है, मैंने कहा रईस लगते हैं, रोमान रईस इनका नाम है, गलत हो गया जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, मरहूम साबिक सदर ममनून हुसैन सही आपका जवाब है। ये फिल्म याद है ना जुनेद भाई के जमाने में प्ले हुआ था और वो बस हंस के बुरा हाल हो गया, उन्होंने इनको राहिल शरीफ कह दिया था ना मेरा ख्याल, ये इनको राहिल शरीफ कह दिया था। हाँ, जिसमें मैंने कहा था कि हैरत ये नहीं है कि ममनून हुसैन साहब को नहीं जानती, मतलब ये कि राहिल शरीफ साहब को भी नहीं जानती, बता तस्वीर भी वही है। अच्छा ओके ठीक है, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन से किसका साइन है? गूगल का ऑफकोर्स सही आपका जवाब है। ठीक है, 3C को दिखाएंगे 3 तस्वीर, पहली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। हाँ भाई, खान आता है नाम में, खान पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ बायलैटरल सीरीज में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। 5-4-3-2-1 जुनेद खान है। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब, ये कौन है? इनको नाहा खून बहाया गया, इनको कत्ल किया गया कराची में। इमरान फारूक? नहीं, इमरान फारूक कहाँ, ये अली रजा आब्दी साहब हैं। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, इनके कातिलों को अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद फरमाए। एमकेएम से ताल्लुक था और बड़े बरबरीत से उनको इनकी जान ली गई। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन सी कंपनी है भाई? एप्पल सही है जवाब। ऑलराइट ठीक हो गया, अब आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 80-0 और 7-70 जो जीतेगा वो अपने साथ इजी कलर की बाइक लेके जा सकेगा। वन कलर वन नेशन है, इजी कलर का पैगाम, पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर है। सर पहले हैं आपके 60 सेकंड और आपके 60 सेकंड का वक्त सर, पार्टिसिपेंट बी शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा नमक की काने बलूचिस्तान या पंजाब? बलूचिस्तान। गलत, बजर नहीं बजाना। छतरी किस मुल्क की ईजाद है, मिस्र या चीन? मिस्र। गलत। चांद पर सबसे पहले गोल्फ खेला गया या फुटबॉल? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, गलत। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, मुर्दों का टेला या कदीम शहर? कदीम शहर। गलत। लंदन में जो क्लॉक टावर है उसका नाम वॉच टावर है या बिग बैन? वॉच टावर। गलत। दुनिया में तकरीबन कितनी जबानें बोली जाती हैं, 4000 या 7000? 4000। गलत। फारसी में कितने हुरूफ तहज्जी हैं, 32, 32 या 42? 42। गलत। डॉक्टर किस जबान का लफ्ज है, लातीनी या उर्दू? लातीनी। सही हो गया जवाब, जबरदस्त हो गया। हमारे बदन में आयरन कहाँ स्टोर होता है, गुर्दों में या खून में? सवाल, हमारे बदन में आयरन कहाँ स्टोर होता है, गुर्दों में या खून में? गुर्दों में। गलत हो गया, मैंने आहिस्ता भी पढ़ा तो आपने क्या बिगाड़ लिया, लेकिन रिकॉर्ड कायम हुआ है, एक जवाब सही आया है, बिल्कुल सही। इसमें तालियां होनी चाहिए मेरा ख्याल है, आवाज मेरी। तो ये भी जो है, इस शान रमजान 2024 को दो सादतें हासिल हुई। इसी शान रमजान में 60 सेकंड में 200 पॉइंट भी लिए गए सबसे ज्यादा तारीख में, और 10 भी लिए गए सबसे कम। ये दोनों रिकॉर्ड सेट हो गए शान रमजान। कोई बात नहीं, खैर मुकाबला आपसे पूछूं मैं, सी चलो भाई, सी से पूछ रहे हैं सवाल। सी के 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर। अब फीफा वर्ल्ड कप कितने सालों बाद, 4 या 8? 4। ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा इन दो में से कौन सी ड्रिंक पी जाती है, ऑरेंज जूस या चाय? चाय। ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 बार पहुंचा या 8 बार? 2 बार। ठीक। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार मुल्तान में है या कराची में? कराची। ठीक। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है या नेपाल में? वॉशिंगटन। ठीक। हॉकी को पाकिस्तान के कौमी खेल का दर्जा 1960 या 1975? 60। ठीक। सिकंदर आजम शागिर था इब्ने बतूता का या अरस्तु का? इब्ने बतूता। गलत। पहले मॉडर्न ओलंपिक खेलों का आगाज 1896 या 1996? 1896। ठीक। निजामे शमसी का छोटा सैयारा मर्करी या जुपिटर? मर्करी। ठीक। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक या अल्लामा इकबाल? मौलवी अब्दुल हक। ठीक। जदीद मलेशिया का बानी अनवर इब्राहिम या महातीर? अनवर इब्राहिम। गलत। नोबेल मेरतुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद या फातिमा सुरैया बजिया? सवाल रिपीट कीजिएगा। नोबेल मेरतुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है या फातिमा सुरैया बजिया ने? फातिमा सुरैया। गलत। अच्छा भाईजान क्या लग रहा है, अब असीम भाई जीत जाएगी, कौन सी जीत जाएगी?
सी सी दी देंगे। देखते हैं आपने कितने सवाल के सही जवाब देने। आई थिंक सेवेंटी एटी। सेवेंटी एटी सवालों के सही जवाब देने। आई थिंक सो इतने तो होंगे। सत्तर अस्सी सवालों के सही जवाब। नहीं सत्तर अस्सी स्कोर किया है। पॉइंट सही है। अच्छा जी सही सही। चलो भाई आपसे पूछते हैं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट शुरू होता है। अब हिरोशिमा पर एटम बम बरसाया गया 1945 या 1945। बिल्कुल ठीक। सोमालिया का दारुल खिलाफा लबनान या मोगादिशो। मोगादिशो ठीक। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी या अल्लामा इकबाल। हफीज जालंधरी बिल्कुल ठीक। बर्रे आजम अमरीका दरियाफ्त है क्रिस्टोफर कोलंबस की इब्ने बतूता की। क्रिस्टोफर कोलंबस बिल्कुल ठीक। कुतुब मीनार की तामीर बहादुर शाह जफर या कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल ठीक। रोम किसका दारुल खिलाफा है तुर्की या इटली। इटली बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी शहर लोधरा किस सूबे में बलोचिस्तान या पंजाब। पंजाब बिल्कुल ठीक। कौन सी शेप है जिसकी कोई साइड नहीं होती रेक्टेंगल या सर्कल। सर्कल बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना 1947 या 1905। 1947 बिल्कुल ठीक। एक सदी में कितने महीने होते हैं तकरीबन 10 के 1200। 1200 बिल्कुल ठीक। हाथ साथ हिलाते नहीं जाता था। अनकारा किस मुल्क का दारुल खिलाफा है मिस्र या तुर्की। मिस्र यार अब हमने हाथ हिलाना शुरू किया तो आपने गलत जवाब दे दिया। चलो दो सेकंड है अभी भी। कुवैत की करेंसी का नाम क्या है रुपया या कुवैती दिनार। कुवैती दिनार ये हाँ ये है ना वजन सम पे आया ना जरा। हाँ आप मुकाबला जीते या नहीं जीते लेकिन सम पे आ गए अब ये है बात। हाँ ये 130 ये तो क्या हुआ भाई कौन जीता आपके ख्याल में। तुक्का मार दे इस पे माइनस 10 नहीं होंगे। आई थिंक सो मैं जीत गया। आपके ख्याल में आप जीत गए। यस आपके ख्याल में जीत गए भाईजान। आपके ख्याल में आप तो नहीं जीत गए। अच्छा ठीक हो गए। 10 नंबर है 160 कितने आपके अंदाजा तुक्का। आई डोंट नो। मैंने बताया था जिस लम्हे टीम सेलेक्ट की गई थी फैसला तो वही हो गया था। 190 नंबर्स हैं आपके और आपसे भी और सवाल भी हो सकते थे हमने स्लो कर दिया। जबरदस्त भाई तीनों ने बहुत अच्छा खेला और जाहिर सी बात है हम ऐसी चार होते हैं इफ्तार का वक्त होता है सब जरा थकन भी होती है बोझल भी होता है तो इसलिए जरा हम लाइटर साइड पर जरा खेलते हैं। साहब सब भाई हैं हमारे और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भी भाई हैं हमारे। देखें जब मैं इनको भाई कह रहा हूँ अंदाज़ा लगे तो मतलब सही तो भाई है सब इसकी कोई बात नहीं में रखना आपने। तो तीनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां बजाएंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।